आयस, एक बार फिर से आप सभी का होम स्टडी जोन यूट्यूब जोन पर स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, घर में बैठे हो तो अच्छे ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4.1 का, 4.2, 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। 4.2 का पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। विधि कौन सी? गुणनखंड। गुणनखंड विधि से इनसे पहले आपने बहुत सारे क्वेश्चन हल किए हैं। मुझे लगता है कि आपको गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करने में कोई दिक्कत नहीं आती होगी, और यदि किसी को नहीं आता है ना तो भी मेरे ऊपर विश्वास कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। गुणनखंड विधि को जब से खत्म कर देंगे, जो भी होगा सीधा आपके दिमाग में घुसेगा। चलिए चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है अपना, समीकरण है x² - 3x - -10 = 0। अभी तक आपके मन में ऐसा द्वंद्व तो नहीं है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? इनके बारे में आपको पहले वाले वीडियो के अंदर अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। द्विघात समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण क्या है, त्रिघात समीकरण क्या है, इनके बारे में, ठीक है ना। बार बार आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जितना हो सके नई जानकारी देने का प्रयास करते हैं, वापस उसी जानकारी को ढिंढोरा पीटना मैं उसको उचित नहीं मानता हूँ, ठीक है ना। चलिए x² - 3x - 10 = 0, इनके मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात यानी x का मान, ठीक है ना। गुणनखंड विधि से ज्ञात करना, तो गुणनखंड विधि के अंदर क्या होता है कि प्रथम पद या द्वितीय पद या मध्यम पद है, ऐसा मत सोचना कि हाँ इनका नाम द्वितीय पद है या तृतीय पद है। नहीं, इसको द्वितीय पद बोला जाता है, इसको तृतीय पद बोला जाता है, क्योंकि इन दोनों, ये जो बीच वाला पद है ना, इनका संबंध कहीं ना कहीं इन दोनों पदों से है, ठीक है ना। वो क्या संबंध है आगे हल करेंगे, आपको स्वतः ही पता चलेगा कि हाँ इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो रिश्ता होगा। चलिए x² के गुणांक में जो संख्या है उसका गुणा इस पद से करेंगे, तो x के गुणांक में कितनी है? 1, और यह है -10। इन दोनों का गुणा करेंगे कितने आ गए? -10। -10 है, इसके ऐसे दो टुकड़े करो जो जोड़ने और घटाने पर कितने होने चाहिए माइनस के? 3 होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे एक जोड़ा ले लेता हूं मैं, ये 6 और 4 है, इसको जोड़ते हैं तो 10 होता है, ठीक है ना। घटाते हैं तो कितने हो गए? 2 हो गए, ये भी नहीं बैठ रहा। गुणा करने पर कितना होना चाहिए? माइनस के 10 होना चाहिए, और 5 और 2 है, दोनों का गुणा करते हैं तो 10 होता है ना। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, और गुणा घटाएंगे तो हो जाएगा 3। बस बिल्कुल 3 हो रहा है, जोड़ते हैं तब और गुणा करते हैं सब 10 हो रहा है। तो जो ये 5 है और ये 2 है, इसमें यहाँ माइनस चाहिए और यह भी माइनस चाहिए, ठीक है ना। तो माइनस के 3 चाहिए, तो 5 को बना देता हूँ माइनस का। अब इन दोनों को गुणा करो, देखो -5 और 3 का गुणा करते हैं तो -5 गुणा इस 2 का, बिल्कुल माइनस के 10 आ रहे हैं, और -5 इसमें से ये मैं 2 को घटाऊंगा तो -3 बन रहा है। हाँ, -5 और -2, ये अपन को वो जोड़ा मिल गया, ठीक है ना। अब इसे जो ये जोड़ा है -5 और 2, इन दोनों के पीछे एक्स लगेगा क्योंकि यह लिखना है, तो 3 के पीछे एक्स है तो एक्स भी इन दोनों के पीछे लगेगा। चाहे -5 को पहले रखो, चाहे -2 को पहले रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए x² - k, ये 5x,
माइनस के 5x आ गए क्योंकि ये माइनस का। अब ये प्लस वाला 2 ले लो, ये प्लस के 2x और ये माइनस के 10 बराबर में 0। अब दो दो के जोड़े बढ़ो तो ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा, इन जोड़े में से ही कॉमन ले लो, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स का पद है तो कॉमन आ गया एक्स, एक्स का भाग एक्स स्क्वायर में दो एक्स बार माइनस एक्स का भाग 5x में, जैसे ये 5x है एक्स का भाग लगे तो एक्स से एक्स चला गया बचे कितने 5। कोष्टक अब यहाँ पर प्लस के 2x है तो ये प्लस और 2 और 10 के अंदर कॉमन 2 आ रहा है तो प्लस के 2 कॉमन है, 2 का भाग 2x में दिया तो x बच गया और प्लस का भाग माइनस में तो माइनस और 2 का भाग 10 के अंदर कितनी बार जाएगा 5 बार। अब देखिए ये जो कोष्टक के अंदर संख्या जो बंद है ना, ये संख्या एक जैसी आनी चाहिए, ये संख्या भिन्न भिन्न होती है तो आप सोच लेना कि आपका क्वेश्चन गलत है, आगे जाना भी मत, यही देखना कि कहीं ना कहीं जोड़ा गलत बना होगा तब जाकर यह संख्या भिन्न आ रही है, और यह संख्या समान है तो क्वेश्चन 100% आपका सही है। चलो अब जो कोष्टक के बारे में उसका एक अलग खंड बनाते हैं और कोष्टक के अंदर इन दोनों में से कोई एक को ले लेते हैं। ये कोष्टक के बाहर है एक्स और यह है प्लस के 2 बराबर में यह 0, ठीक है, एक इनका तो ये एक्स माइनस 5 इसके बराबर में भी 0। एक्स के मूल ज्ञात करने या एक्स को बाहर ले लिया तो ये प्लस का 2 है तो जाएगा माइनस का 2, और यह है जो इस एक्स को बाहर लिया है तो बराबर के बाद में प्लस का 5, यह हो गए एक्स के मूल, एक आंसर आ गया 2 और एक आ गया 5, ठीक है ना, ये पहला समीकरण है, हल हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा समीकरण है अपने पास में, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, तो उसके भी मूल ज्ञात करने हैं, इस पद का और इस पद का गुणा करो, यहाँ 2 है और यहाँ माइनस माइनस के 6 है तो 2 का गुणा माइनस के 6 से करेंगे तो माइनस के 12। अब इस माइनस के 12 के ऐसे दो टुकड़े करो, ऐसे दो टुकड़े तो जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, प्लस का 1, या एक्स है संख्या नहीं है तो 1 आनी चाहिए, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं, एक तो होगा 6 गुणा 2, इसका गुणा करते हैं तो कितना आ गए 12 आ गए, एक 3 गुणा 4 है गुणा करेंगे 12, एक 4 गुणा 3 है इसका गुणा करेंगे तो भी कितना आएंगे 12, एक गुणा 12 है तो इसका भी गुणा 12 आता है, ठीक है ना। तो अब देखो 6 और 2 को जोड़े हैं तो 8 आ जाते हैं और घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे 4 आ जाएंगे, अपने को चाहिए कितना जोड़ने और घटाने पर 1 चाहिए, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 7, घटाते हैं तो 1 आता है, बिल्कुल इसमें से भी घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब यह जोड़ा और यह जोड़ा तो बिल्कुल फ्लॉप है, इसके ऊपर तो नज़र रखनी नहीं है, अपने को ये 4 और 3 है इसको देखना है, 4 और 3 का गुणा 12 आता है और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, अपने को चाहिए 1 प्लस का तो माइनस के 3 रख दो और प्लस के 4 रख दो, इनका गुणा करेंगे तो माइनस का 12 निकल रहा है, ये 12 आ रहे हैं ना, 12 आ रहे हैं और घटाएंगे तो प्लस का 1 आएगा, बस ये 4x और माइनस के 3x ये दो जोड़ा है इसको यहाँ लिख देंगे। तो सबसे पहले 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। अब वापस वही प्रक्रिया, दो दो के जोड़े बना दो, इन दोनों में से कोई एक को कॉमन ले लो, तो 2 और 4 है तो 2 और 4 संख्या में कॉमन आ गया 2, एक्स स्क्वायर एक्स में कॉमन आ गया एक्स, 2x का भाग 2x स्क्वायर में दोगे तो कितनी बार जाएगा एक्स बार, 2x का भाग 4x में कितनी बार जाएगा 2 बार, यह माइनस के 3 कॉमन आ गए, 3 और 6 में 3 आ गए, माइनस 3 का भाग माइनस 3x में दोगे तो एक्स आएगा, माइनस का भाग माइनस में दोगे तो प्लस बार जाएगा, 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा,
यह है देखिए, इजिकल टू जीरो, कोष्टक के अंदर संख्या है एक जैसी है तो सवाल सही है, नहीं तो गलत है, ठीक है ना। अब इसका बाहर वाली संख्या का एक जोड़ा बना दो, तो जोड़ा बन गया 2x-3=0 और कोष्टक के अंदर वाली संख्या है x+2=0। अब इसको यहाँ हल कर रहा हूँ, 2x-3=0 है ना। हल्के से करना, पहले x वाले पद को बाहर ले लो, ये x वाले पद को बाहर लिया है तो माइनस का 3 है, बराबर के बाद में गया तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस नहीं लिखा जाता। x को बाहर लिया तो 3 के बटे में कितने 2, ये आ गया x का मूल। इसको भी हल करते हैं ना, तो x को बाहर लेते हैं तो माइनस के दो ये आ गया। अब मूल क्या है, ये x=-2 और x=3/2, ये क्या है, x के मूल है। ये अपना हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं समीकरण नंबर 3 पर। समीकरण नंबर 3 है अंडररूट 2x² प्लस 7x+5√2 इजिकल टू 0। अब अंडरूट को देख करके आप घबराना मत, अंडरूट की संख्या है तो समझ लेना मन के अंदर बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। आप ज़्यादा मातापंची मत करना, इसके जैसा सिंपल कोई सवाल ही नहीं है। कितना सिंपल, देखिए प्रोसेस वही है, इनको जो हल किया है तरीका वही है। प्रथम पद का इस पद से कर लो गुणा, तो प्रथम पद है जिसे मैं यह समझा रहा हूँ रफ के अंदर, ठीक है ना। अंडरूट 2 का गुणा किससे करना है, 5√2 से। अंडरूट की संख्या का अंडरूट की संख्या से गुणा होगा, अन्य संख्या से गुणा नहीं होगा। यहाँ पर 5 है या नहीं है तो यह 1 समझ लो, 1 का गुणा पहले इस 5 से करो तो कितने आ गए, 5 चिन्ह गुणा का। अंडरूट 2 का अंडरूट 2 से गुणा करते हैं तो आता है अंडरूट के 4। अब क्लास 10th में पढ़ रहे हो, आपको पता है कि अंडरूट 4 का मान कितना होता है, अंडरूट 4 बराबर मान कितना होता है, 2 होता है। अंडरूट 9 का मान कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो इसी तरह पांच गुणा अंडरूट 4 का मान 2 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। पांच का 2 से गुणा किया कितना हो गया, 10। बस संख्या आ गई 10, इन दोनों का गुणा किया संख्या कितनी मिल रही है अपने को, 10 मिल रही। अब यह बीच में संख्या देखो 7x है, अब 10 के ऐसे दो खंड करो, जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, प्लस के 7 आना चाहिए, बस खंड हो गए 5 और 2। और आपके मन में भी ऐसा कोई विचार आ रहा होगा कि सर ये खंड क्या है, खंड होता नहीं है, तो खंड करने का एक तरीका मैं आपको और बताऊं। यदि बड़ी संख्या आ जाए ना तो आप उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर दो। पहले 10 है तो 10 के करने तो 2 का भाग दिया 5 बार और 5 का भाग दिया 1 बार, ये खंड हो गई, ये खंड निकल के अपने आप स्वतः ही आ जाते हैं, ठीक है ना। ये आप लॉजिक इसको ध्यान में रखना, आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन। अब खंड 5 और 2 है, ये 5 और 2 है, जोड़ते तो 7 आता है और गुणा करते हैं तो कितना, 10 आता है, बस अपने को प्लस का 10 चाहिए। ओके, हो गया, खंड है 5 और कितने, 2।
भले ही 5 को कहीं रखो, 2 को कहीं रखो, उससे कोई फर्क है नहीं पड़ता है। अंडर रूट 2x² प्लस, मैं ले लेता हूँ 2x प्लस, एक खंड आ गया आपका 5x प्लस 5 अंडर रूट 2। दो दो के टुकड़े बना दो, एक ये बन गया टुकड़ा और एक आपका ये खंड बन गया, ठीक है ना। अंडर रूट 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? के अंदर कॉमन आ रहा है अंडर रूट के 2x, 2x कॉमन ले, क्योंकि सीधे 2 लेते हैं ना, तो 2 का भाग अंडर रूट 2 में नहीं जा रहा है। अब अंडर रूट 2 ले लिया तो अंडर रूट 2 का इस 2 में भाग जाएगा, वो कैसे जाएगा देखिए। पहले आप इसका भाग अंडर रूट 2x² है, अंडर रूट 2x² है, भाग किसका देना है? अंडर रूट 2x का, ठीक है ना। तो देखिए अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 चलेगी, एक्स का भाग x² में कितनी बार जाता है? एक्स बार जाता है। कितनी बार भाग जाता है? एक्स बार जाता है ना, तो आप यहाँ लिख दो एक्स, ठीक है। एक्स चिन्ह किसका है? प्लस का। अब ये अंडर ये 2 है, इस 2 के ऐसे 2 खंड करो, इस 2 के ऐसे 2 टुकड़े बना दो, ताकि उसको हल करने के बाद वापस 2 आ जाए। जैसे ये टुकड़ा अंडर 2 गुणा अंडर 2 है ना, इसका गुणा करते हैं तो अंडर रूट के चार को हल करते हैं तो कितना आता है? 2 ही आता है ना। तो भले ही आप 2 लिखो, भले अंडर 2 गुणा अंडर 2 लिख सकते हैं, तो मैं इसी जगह अंडर 2 गुणा अंडर 2 एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब अंडर 2 एक्स का इसमें भाग दो, अंडर 2 एक्स से अंडर 2 एक्स चला गया, पीछे बचा क्या? अंडर रूट का 2 बच गया, ठीक है। बस एक जोड़ा ये बन गया। अब ये प्लस के इसमें 5 कॉमन आ गया, 5 का भाग इसमें एक्स बार जाएगा और प्लस 5 से 5 चला गया, बचा कितना? अंडर रूट के 2। अब देखिए ये चिन्ह है ना, ये कोष्ठक के बीच में संख्या समान आ गई, तो इसका मतलब समीकरण सही है। एक जो एक इसका और इसका जोड़ा बना दो, अंडर रूट 2x प्लस 5 बन गया जोड़ा, इसके बराबर में भी 0 आ गया। और एक इसका बना दो, ये है ना जो कोष्ठक के बीच में खेद संख्या, इसको अंडर रूट 2 बराबर 0। अब इसको पहले बाहर लो, अंडर रूट 2x को बाहर लिया तो माइनस के 5, अब x को बाहर लिया तो माइनस के 5 के बटे में चले जाएगा अंडर रूट 2। एक तो संख्या आ गई ये, अब इसमें x को बाहर लिया तो माइनस के अंडर रूट 2, ये 2 आ गए x के मूल, x के मूल है। x बराबर अंडर रूट 5, माइनस 5 बटे अंडर रूट 2, और x बराबर माइनस के अंडर रूट 2 आ गए, ठीक है। ये हो गया अपना सवाल नंबर 3। अब करते हैं सवाल नंबर 4। देखो सभी एक ही विधि के हैं, विधि सभी के अंदर सेम ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। चलते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। देखो यूट्यूब पर है तो सभी क्वेश्चन हल करवाने जरूरी है, क्योंकि स्कूल के अंदर टीचर सभी प्रश्न हल करवाने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं है। सक्षम वो होते हैं मगर समय के अभाव में सक्षम नहीं है। तो चले मैं पूरी हल करवा देता हूँ, ताकि बच्चे स्कूल से आकर के कहीं खोजे और वो क्वेश्चन नहीं मिले तो गालियाँ और देते हैं, करवाए नहीं, सर को आते नहीं थे, कितने प्रकार के पता नहीं उसके दिमाग के अंदर क्वेश्चन आते होंगे। तो सभी क्वेश्चन करवाने जरूरी है। जो ऑफलाइन क्लास के अंदर है तो नहीं करवाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कह देते आप घर जाकर कर लेना। अब घर पे उनको नहीं आ रहा है तो यूट्यूब के सहारे से कहीं ना कहीं तो उसको सीखना पड़ता है। चलो सवाल नंबर 4। 2x² माइनस एक्स, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इजिकल टू 0। देखिए आप इसके अंदर जो ये बट्टे में संख्या आई है ना, मत घबराना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं सभी के बट्टे में एक एक लिख देता हूँ, सब बट्टे बन गए। आप कहोगे आपने तो बहुत बड़ा इसको भारी बना दिया है, जितना जितना आप दिमाग पे लोड ले रहे हो ना, इतना भारी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है।
बिनो की जोड़ बाकी आपको आती है तो बारी है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल होगा। एक लाइन खींचो, इनका इनका और तीनों का लेस से ले लो, लेस से एलसीएम कितना 8 आ गया, एक का बाद 8 में कितनी बार जाएगा 8 बार, और 8 का 2x² से गुणा करोगे तो आ जाएगा 16x², ठीक है। 8 का x से गुणा किया, एक का भाग 8 में दिया 8 बार, 8 का x से गुणा किया तो माइनस के 8x, प्लस के 8 का 8 में भाग 1 बार, एक का एक से गुणा करो 1 बराबर में 0, इसके बटन में 1 लिख दो। अब इस पूरे समीकरण से गुणा करो तो कोई चेंजेज नहीं होगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 8 का 0 से गुणा करोगे तो 0 बन जाएगी। ये है अपना समीकरण, मैं सही तरह बहुत चल लेता हूँ, ठीक है ना। ये समीकरण बन गया। अब समीकरण बना है तो फर्स्ट पद का इस पद से गुणा करो तो 16 का 1 से गुणा किया तो 16 ही आते हैं। अब 16 के ऐसे दो टुकड़े करो तो माइनस के 8 आने चाहिए, माइनस के 4 और माइनस के 4। मैंने आपको कहा दो विधि बताई थी, कोई भी विधि से इसके खंड कर सकते हो। अभाज्य गुणनखंड विधि से खंड करोगे ना तो ऐसे होगा, 2 का भाग 8 बार, 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 1 बार। अब 2 का 2 से 4, 2 का 2 से 4, ये 4 और 4 दो खंड मिल गए। अब 2 माइनस के रखेंगे तो माइनस 8 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो प्लस का 16 आ रहा है बस। तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इजिकल टू 0। इस ये 2 और ये 2 है, कॉमन ले लो, 16 और 4 में कॉमन आ गया 4, 4 का 16x² भाग गया 4x² बार माइनस 4 का, हाँ 4x है तो कॉमन x भी साथ में आएगा भाई, ध्यान रखना, ठीक है। तो 4x का 4x भाग 1 बार जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है, कॉमन है, 1 आएगा, माइनस 1 का भाग माइनस 4x में देंगे ना, माइनस 4x है, माइनस 1 का माइनस है, माइनस 1 का भाग 4 में 4 बार तो आ जाएगा 4x, ये स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो 4x है ना, 4x के बाद 16x² देंगे तो x का x² तो केवल x बच जाएगा ना, तो 4x आ गए, ठीक है। 4x और माइनस का भाग प्लस में माइनस और 1 बार, ठीक है। ये हो गया 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1, ठीक है। अब दो बड़ा दो खंड है, इसको अलग कर लो, 4x माइनस 1 1 तो ये बन गया बराबर 0, और दूसरा बन गया 4x माइनस 1 बराबर 0, एक जैसे ही बने हैं, ठीक है ना, उसमें कोई चेंजेज हुआ ही नहीं है। तो अब 4x को बाहर लिया तो 1 है, और x को बाहर ले लिया तो 1 के बटे में 4, यानी यह मूल आके 1/4 और इसका भी 1/4 आएगा, ठीक है। यह हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को हल। पांच का क्वेश्चन सिंपल है भाई, ठीक है, ज्यादा आप लोड मत लेना, संख्या बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, कौन सा फर्क पड़ता है बड़ी संख्या से। गणित के स्टूडेंट कभी नहीं घबराते हैं कि बड़ी संख्या आ गई छोटी संख्या आ गई। गणित को जितना आप खेल खेल में सीखोगे ना उतनी ही बढ़िया लगेगी आपको, ठीक है। और इनसे जितनी दूरी बढ़ाओगे तो ये भी आपसे उतनी ही दूरी बढ़ाएंगे। आप इनसे नज़दीक आइए, इनसे जुड़ने का प्रयास कीजिए, इनसे लगाव कीजिए, बिल्कुल सिंपल है गणित, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा यदि आपने अच्छे टीचर का सिलेक्ट कर लिया है, उनके वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ज्यादा बातें नहीं करते हुए सीधा क्वेश्चन नंबर 5 पे। 100x² संख्या बड़ी है मत घबराना, बिल्कुल सिंपल है। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, यही सवाल है। वही है कि सबसे पहले पद का और इस पद का गुणा करना है, तो 100x का 100 का गुणा 1 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे 100। अभी 100 के दो खंड करने हैं, दो
खंड करने, जोड़ने और घटाने पर माइनस के 20 आने चाहिए। तो 100 का खंड ये 10 और 10 हो गया। अब इसको माइनस, दोनों माइनस रखते हैं तो जुड़ेंगे तो माइनस के 20 होंगे, ऐसे ही तो होंगे नहीं, बस खंड हो गए माइनस 10 और माइनस 10। माइनस 10 का माइनस 10 से गुणा करेंगे तो प्लस के 100 आ जाएंगे। तो लिखो 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। दो टुकड़े कर दो इसके, इसमें कॉमन ले लो, 10x कॉमन आ गया। 10x का 100x² भाग दिया तो आ जाएगा 10x, ये माइनस 10x का 10x में भाग 1 बाद जाएगा। इसमें यह माइनस है और कॉमन 1 आता है, माइनस 1 का माइनस 10x में भाग दोगे तो 10x आएगा, माइनस का प्लस में माइनस का 1 का तो 1 ही आएगा। तब इसका और इनका एक जोड़ा बना दो, 10x माइनस 1 बराबर 0, और इनका भी इन दोनों में से कोई एक को ले लो, ये 10x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इसमें 10x को बाहर ले लो, 10x बराबर 1, माइनस का था बराबर के बाद में गया प्लस का बढ़ गया। अब x को बाहर लिया ना, 1 के बटे में 10, 1 मूल तो ये आ गया। अब यही आएगा, 1/10 ही आएगा क्योंकि संख्या एक जैसी है। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने हमें सुना, आपको समझ में आया होगा, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना, ठीक है ना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। थैंक्स।